Hello everyone! So, किंड गार्डन से लेकर सीबीएसई बोर्ड स्टेट बोर्डी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्ट सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल फिर हमारे वेबसाइट पे फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड टू फ्री ऑफ कॉस्ट यस यू दैट राइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले इज डिजिट तो बेसिकली

तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस डिजिट हम इस वाले पार्ट में पूरा देखेंगे बट इससे पहले मुझे क्या चाहिए यार कि आप लोग प्रीवियस दोनों वीडियो देख के आइए बिकॉज यार कंपेयर तो उसी से कर रहे ना प्रीवियस दोनों, दोनों वीडियो नहीं पता होंगी न्यूमेरिक और डेसिमल का मतलब नहीं पता होगा काम क्या है ये नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा तो प्रीवियस दोनों वीडियो जरूर देखिए बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मिलेंगी कहा वो वीडियो अगर सपोज आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मिलेगी कहा तो यार आप क्या करो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले

और एक है इज डेसिमल ठीक है तो ये दोनों वीडियोस देख लीजिए बिकॉज दे वुड बी हेल्पफुल टू यू हेयर

ढूंढ रहे हो जो परफेक्ट हो एरर फ्री हो एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए फिर और कहीं ना जाना पड़े इधर उधर और बुक्स की धूल ना छाननी पड़े एक ऐसी बुक जिसमें थियोटिकल कंटेंट तो सारा हो ही बाकी आपके सारे न्यूमेरिक भी चीजें मिल जाए मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाए सारे है ना क्वेश्चन के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए फिर सब्जेक्टिव सॉरी फिर आपके सैंपल पेपर्स मिल जाए फिर प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाए अगर आप ऐसी बुक की तलाश में हो तो वो तलाश होती है आपकी खत्म क्योंकि मैग्नेट ब्रेन लॉन्च कर दिया बुक्स एंड बुक्स जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है गो एंड चेक दैट आउट ठीक है एंड फटाफट हम इस डिजिट शुरुआत करते हैं बट उससे पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनीज है एक है मैग्नेट ब्रेन जो क्या है हमारा एडटेक प्लेटफॉर्म है और है पैबली जो कि क्या है हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है और यहां हमें कंटिन्यूसली भाई डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है तो अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल डेवलपर हो आप में वो स्पार्क है हमारे साथ एक रोल के लिए तैयार हो सो अप्लाई अपलाईर

ओके okay. अच्छा अब ये तो हो गया भाई कि सपोज अगर आप रेडी हो फॉर एक्साम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि सर अभी तो हम तैयारी नहीं अभी तो हमारे पास स्किल सेट नहीं अभी अपलाई कर दें सो दे सोर इज द द थिंग थिंग इज दें दो दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है सो इवन इन अपकमिंग ईयर ये आई एम इन अपकमिंग यू सेन अपलाई सो वट यू हैव टू डू इज जस्ट लर्न फ्रॉम माई कोर्सेज एक्वायर द स्किल्स एंड देन अप्लाई ठीक है लर्न फ्रॉम माई स्किल्स एंड देन अपला और

डिजिट Now वेरी सिंपल digits. अगर वो कैरेक्टर इनमें से एक डिजिट है आंसर इज टू अदरवाइज फॉल्स फर्क नहीं पड़ता वो सबस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट में है? फर्क नहीं पड़ता बट इस बात का जरूर फर्क पड़ता है अगर सपोज मैंने इसी एक कैरेक्टर में एक डाल रखा है फ्रैक्शन तो क्या ये डिजिट है इसमें से नहीं है भाई क्या मैंने इसी की जगह अगर टेन डाल रखा है तो क्या एक डिजिट है नहीं है बट अब देखना ला चीज है, है तो मैं सिंगल डिजिट टेन ला सकता हूं तो अगर सिंगल डिजिट टेन की बात करूं तो ये क्या एक कैरेक्टर है नहीं है बट अगर मैं टेन इस तरीके से लिखता हूं जिसमें ये एक कैरेक्टर और ये कैरेक्टर है ये क्या डिजिट है ये बिल्कुल डिजिट है क्योंकि वन इसमें से एक डिजिट है जीरो सिंपल मतलब, सी बात यार एक कैरेक्टर पे अगर मैं मैं जाता हूं एक कैरेक्टर पे अगर जा रहा हूं और वो जो कैरेक्टर है वो जीरो से लेकर नाइन के बीच में कुछ भी है तो ट्रू मिलेगा नहीं तो फॉल्स मिलेगा सिंपल सी बात अब ये कहानी पूरी आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने सारी कहानी कंप्लीट करूंगा इसमें मतलब सारी ए टू जेड और न्यूमेरिक डेसिमल और डिजिट को एक साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे तो सब कुछ प्रैक्टिकली समझेंगे दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट ट विल भी वेरी 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 मच हेल्पफुल टू यू ठीक है इंपॉर्टेंट तो है ही बाकी सिंटेक्स बहुत सिंपल से भाई स्ट्रिंग डॉट एस डिजिट लिखना है और फिर पैरेंथेसिस लगा देना है स्ट्रिंग जिस भी स्ट्रिंग के लिए आपको चेक करना है एस डिजिट नाम है पैरेंथेसिस आप

रोमन अगर मैंने रोमन यूज कर दिया जैसे सपोज मैंने वन uh, इस तरीके से लिख दिया ठीक है या फिर मैंने टू इस तरीके से लिख दिया या मैंने थ्री इस तरीके से लिख दिया या मैंने फोर इस तरीके से लिख दिया नो, दीज आर नॉट डिजिट्स ये जीरो से लेके नाइन तक डिजिट्स नहीं तो इस केस में आ जाएगा फॉल्स मेरे पास आंसर ठीक है करंसी फ्रैक्शंस फ्रैक्शन में भी है सेम कहानी वन बाय टू लिख दिया मैंने सपोज वन बाय टू अच्छा ये यूनिकोड के मदद से लिखेंगे हम हम वन स्लैश टू नहीं लिखने वाले वन स्लैश टू नहीं ये एक कैरेक्टर ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है सिंगल कैरेक्टर वन बाय टू की बात हो रही है

अब देखो एर, इस डिजिट के पहले मैं पहले बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा बट उसके बाद फिर हम जो मेन फोकस हमारा रहेगा इस वीडियो में प्रैक्टिकल में वो तीनों में कंपैरिजन रहेगा मतलब इसके पुराने जो दो फंक्शंस हमने देखे विच इज इज निमारिक एंड इज डेसिमल तो उसे कंपेयर करके हम इस डिजिट को समझ रहे होंगे बिकॉज काम ये काफी हद तक वही करता है मेन जो समझने वाली बात है कि इनमें डिफरेंस क्या ठीक है

इसको फोल्डर में चले जाएंगे राइट क्लिक करेंगे फोल्डर के अंदर ओपन विद कोड करेंगे वी कोड ओपन कर लेंगे इसके अंदर गेट स्टार्टेड बंद करेंगे इसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे दैट वुड पाइथॉन पाइथॉन अंडर स्कोर फाइल डॉट पी वाई पाइथॉन फाइल डॉट पी वाई बनेंगे इसको बंद बन कर लेंगे और इसी में हम देखने वाले हैं कि आपका इज डिजिट बेसिकली ठीक है अब इज डिजिट कैसे काम करता है पहले तो ये समझ लेते हैं तो सपोज मैंने यहां पे डाला एज डेजेट तो पहले यहां पे मैंने क्या किया पहले मैंने कुछ भी नहीं डाला सिर्फ एस डिजिट यहाँ पे डाला और अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या ये ऑपरेट करता है कैसे ऑपरेट करता है तो लेट मी रन इट तो जैसे मैं इसको रन करूंगा वट आई गेट इज नेम मेर मिल जाएगा भाई हमें विच इज की नेम इज डिजिट इज नॉट डिफाइंड तो इस डिजिट नामक कोई भी नेम डिफाइंड ही नहीं है तो नेम एर आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो इस डिजिट के साथ आपको क्या मिल गया भाई आपको नेम एर मिल गया इज इस डिजिट नामक कोई ही शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे

ठीक है अब जरा इस पर ऑपरेट करते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं तो पहले एक नॉर्मल सा लिखूंगा मैं पहले इसका सिंटेक्स वगैरह समझ लेंगे फिर इसके डिटेल में चलेंगे इसमें अंदर कि पॉसिबिलिटीज क्या है और बाकी से कंपेयर करके और डिटेल में समझेंगे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा यहाँ पे मैं लिख दूंगा सपोज एक नंबर बना लिया मैंने रैंडमली कोई भी नंबर ठीक है दिस इज अ रैंडम नंबर और डॉट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया इज डिजिट ठीक है इज डिजिट लिख दिया डेट सेट है ना अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा सो आई नो यार कुछ मतलब रन तो हो जाएगा बट मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा प्रिंट होकर स्टेटमेंट नहीं मिलेगा वाई अब ये तो मुझे पता चल रहा है स्ट्रिंग मेथड इस डिजिट फोल्डर के अंदर पाइथॉन स्कोर फाइल पी वाई मेरी एग्जीक्यूट हुई है परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई है कोई दिक्कत नहीं है ये कहानी का, बिल्कुल सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट लाइन में आपका उसी फोल्डर के अंदर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है बट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है ठीक है अब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है तो आपको मेन जो करने की जरूरत है वो क्या करने की जरूरत है अब यहाँ से आपको प्रिंटिंग करने की जरूरत है

हमको मेन ये देखना है कि क्या आपका यहां पर भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये चीज़ तो बिल्कुल कर सकते हैं बस आपको क्या यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डालने की ज़रूरत है तो सपोज़ यहाँ पे मैंने यार प्रिंट स्टेटमेंट डाला ठीक है और यहाँ पे वही मैंने सेम कुछ रैंडम सा नंबर या फिर वही डाल दो फोर सिक्स फाइव वन फोर ऊपर वाला नंबर डाल दिया बट मैंने शायद पैरंथेस ओपन करना भूल गया हूँ ठीक है और अब मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे मैं लगा दूंगा डॉट इज़ डिजिट बेसिकली ठीक है और जैसे मैं अब एग्जीक्यूट करूंगा ना दिस वुड बी कम्प्लीटली फाइन इसमें मुझे आंसर मिल जाएगा ट्रू ठीक है तो यहाँ मुझे परफेक्टली आंसर ट्रू मिल रहा है अच्छा इवन मुझे अगर इसका आउटपुट चेक करना है तो वो भी कर सकता हूँ तो मैं सिर्फ इतना वाला पार्ट कॉपी करूंगा बेसिकली ठीक है और फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट बाक अगेन और मैं यहाँ पे डाल दूंगा टाइप बेसिकली कि मुझे टाइप चाहिए भाई और फिर पेज कर दिया मैंने तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा वट आइल गेट इज ट्रू है और क्लास क्या है भाई बुलियन क्लास है तो बुल क्लास की वैल्यू है

है ना कोई भी स्ट्रिंग मतलब नंबर पास कर दिया स्ट्रिंग में स्ट्रिंग फॉर्मेट में फिर वैर को स्टोर कर दिया उसमें अब मैंने क्या किया मैंने प्रिंट करा बेसिकली वॉट प्रिंट करा मैंने प्रिंट में डायरेक्ट कर लूंगा है ना और वैर डॉट इज डिजिट लगाऊंगा ठीक है इज डिजिट है ना इस डिजिट लगाया अच्छा अभी फिलहाल मैंने इसका टाइप प्रिंट नहीं करा बिकॉज आई नो कि यार जब यहाँ पे आपका बुलियन था तो यहाँ पर भी बुलियन ही आएगा ठीक है तो इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा ट्रू ओनली ठीक है तो द सेम आंसर ट्रू मिलेगा मुझे ठीक है चलो बढ़िया अब नेक्स्ट क्या करते हैं आगे तो अब नेक्स्ट करेंगे अब पूरे आउटपुट को एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे तो ओपीटी में ओपीटी वेरिएबल है जिसमें मैं सारा आउटपुट स्टोर कराऊंगा तो क्या स्टोर कराऊंगा यार सपोज फोर सिक्स फाइव वन फोर है मैंने डॉट इज डिजिट डाला इसमें है ना तो मैं इसमें डॉट इज डिजिट लगा के ओपीटी में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या आपका बेसिकली ओपीटी और फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या टाइप ऑफ ओपीटी टाइप ऑफ ओपीटी सो so, ये दो चीजें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ओपीटी है मेरा ये ओपीटी को प्रिंट किया और टाइप ऑफ ओपीटी प्रिंट किया तो so, जब मैं इसको रन करूंगा वट एल गेट इज ट्रू इज माई आंसर और मेरा क्लास क्या भाई बोल इन क्लास आ गया ठीक है सो दैट इज इसमें कोई दिक्कत नहीं समझ में आई कहानी चलो गुड तो so, ये था मेरा बेसिकली आउटपुट में सेव करना ऊपर के दोनों में कंबाइन कर सकता हूँ इफ आई वॉन्ट सो मैं वेर वेरिएबल में डाल दूंगा फोर सिक्स फाइव वन फोर फिर मैं ओपीटी बनाऊंगा ओपीटी में मैं डाल दूंगा वेर डॉट इज डिजिट डॉट इज डिजिट ठीक है और फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या आपका ओपीटी और फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या आपका टाइप ऑफ ओपीटी ठीक है टाइप ऑफ ओपीटी सो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा वट आई गेट इज दिस आंसर विच इज ट्रू और आंसर आ जाएगा क्लास इज बोल क्लास तो ट्रू आंसर है ठीक है ट्रू इज द आंसर मतलब ट्रू था और बुलियन क्लास आपको मिल गया ठीक है सो दिस इज द थिंग दिस इज द आउटपुट दिस वुड बी द थिंग तो इस तरीके से मुझे आउटपुट देखने को मिल सकता है राइट right? तो ये कहानी है तो ये हमने सारे सेंटेक्स देख लिए जिस सन मागे चारों फॉर्मेट सन में आ अब नेक्स्ट एक बार जरा इसी के हम ये आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर वाले पार्ट पे डिस्कशन कर लेंगे तो इसको कॉपी करूंगा मैं ठीक है और एक्चुअली मैं यार ये कॉपी नहीं करूँगा था मुझे मुझे ये वाला पार्ट कॉपी करना था विच इज अनकमेंटेड वाला और यहाँ पे कहानी देखेंगे तो यहाँ पे कहानी सबसे पहले क्या देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर सपोज मैं इसको मिस कर दूँ मतलब मैं अगर पैरेंथेसिस मिस कर दू देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन पैरेंथेसिस मैंने मिस कर दी तो क्या कुछ एरर आने वाला है या फिर चल जाएगा ये तो मैंने भी पैरेंथेसिस मिस कर दिए अगर यहाँ पे मैं कहूं तो यार एक बात समझिएगा समझेगा इज कि यार आपका यहाँ पे टाइप भी प्रिंट करो तो आई नो आउटपुट क्या आने वाला है बिकॉज पहले आपको दिखा चुका हूँ मैं बट क्लास पे भी ध्यान देना मतलब टाइप पे भी तो बेसिकली आपको आउटपुट मिलेगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो कि क्या है एस डिजिट है जो कि स्ट्रिंग सॉरी बिल्ट इन मेथड है जिसकी मेमोरी लोकेशन ये है क्लास अगर आप देखो तो देखो क्लास भी एक अलग सेपरेट है विच इज बिल्ट इन फंक्शन और मेथड तो या तो ये तो फंक्शन तो या तो मेथड मैथडे तो मेथड पे फिलहाल काम करते हैं मेथड लिखा हुआ है स्पेसिफिकली तो ये कहानी है बेसिकली ठीक है चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है यार ओके इसी में अगर मैंने कुछ पास कर दिया जैसे बहुत बार कंफ्यूजन ये किया जाता है कि सपोज मैंने इसके अंदर नंबर पास कर दिया सेवन एट नाइन तो इसमें कुछ एरर आएगा बिल्कुल एरर आएगा टाइप एरर आ जाएगा कि यार ये आर्ग्यूमेंट लेता ही नहीं है एक भी नहीं लेता आपने इसको एक दे दिया है अब जब ये एक भी नहीं लेता अगर आप इसको एक भी दे दोगे तो ये एरर थ्रो कर देगा डेफिनेटली कर देगा ठीक है बट दैट डजेंट मीन कि आपको ट्राई नहीं करना है है ना मतलब ट्राई तो करना ही है ना ताकि आपको वो चीज़ क्लियर रहे कि क्या एरर आता है ठीक है ओके मैंने शायद कुछ गड़बड़ करी ओके मैंने मल्टीपल कर से मतलब मल्टीपल कीज एक साथ प्रेस कर दी विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड अच्छा यहीं पे मैं एक सपोज कुछ भी लेटर्स डाल दू तो हो सकता है यहाँ पे नंबर्स की वजह से एरर आ रहा हूँ और तो एरर ऐसा कुछ भी था नहीं उसने कहा था कि क्लियरली लिखा था एक भी नहीं चाहिए मुझे

तो जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो टाइप एरर फिर से मिल जाएगा स्ट्रिंग डॉट एस डिजिट टेक्स नो आर्गमेंट वन गिवन ये एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता आपने इसको एक दे दिया तो इसीलिए आपको क्या मिल गया भाई एरर मिल गया अंडरस्टूड तो आर्ग्यूमेंट वाले पैरामीटर वाली कहानी बिल्कुल क्लियर इसमें कोई दिक्कत नहीं तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर वाली कहानी बिल्कुल क्लियर अब जो मेन हमें जो मेन चीज है वही एक्सप्लोर करनी है दैट इज वॉट दैट इज बेसिकली द थिंग लाइक दिस वन मतलब वेयर वाले पार्ट्स पर अपने को डिस्कशन करना है ठीक है तो व्यारे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है -फट में एक सबसे आप लोग के लिए ठीक है विच इज की सबसे पहले आपका व्यार करके एक वेरिएबल रहेगा ठीक है फिर इसी वेरिएबल को मैं प्रिंट कर लूंगा यह बताने के लिए कि क्या चीज है बेसिकली मतलब मेरे पास आना चाहिए ना मैं किस चीज को चेक कर रहा हूं फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा डायरेक्टली क्योंकि मैं डायरेक्टली फंक्शन लगाऊंगा इसमें ठीक तो 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 इस है, तो इस है तो यहां पे मैं डायरेक्टली कुछ प्रिंट करूंगा और क्या प्रिंट करूंगा अभी आपको बता दिया जाएगा ठीक है तो बेसिकली क्या चीज़ प्रिंट करी जाएगी वो बता दिया जाएगा ठीक है या फिर लिख ही देते हैं अपन ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता है तो इज न्यू वाला फंक्शन है ये तो ये इज न्यूमारिक है तो यहाँ पे हमने लिख दिया इज न्यू ठीक है और ये इज न्यु किस में वैर डॉट इज नारिक वैर डॉट इज न्यूमारिक लगा दिया मैंने अब इसको कॉपी करके मैं क्या करूंगा नेक्स्ट में पेस्ट नेक्स्ट में पेस्ट और यहाँ पे हम नेक्स्ट दोनों देखने वाले हैं विच इज इज अ डिजिट एंड इज अ डेसिमल है ना तो ये क्या हो गया मेरा हो गया इज डेसिमल और ये क्या हो गया मेरा ये हो गया इज डिजिट ठीक है अच्छा मैं क्या करूंगा यार इसमें स्पेसिंग डाल दूंगा ताकि ये सेम लाइन में आए है आ ना ताकि कुछ प्रॉब्लम ना और थोड़ा सा स्पेसिंग डाल दूंगा ताकि समझ में आए ठीक है तो ये बेसिकली कहानी है और इसी के हिसाब से मुझे चेक करनी कहानी इसी में आगे मैं एक प्रिंट करके ये भी डाल दूंगा कि यार सेपरेशन के लिए बच्चे ऐसे है ना तो फुल मतलब बेसिकली डॉट से मैंने सेपरेशन कर दिया अब इसमें मुझे सारी कहानी चेक करनी तो यहाँ पे सारी वेराइटीज में अलग अलग पॉसिबिलिटीज चेक करूंगा ठीक है और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ ठीक है और मैं अलग अलग चीज़ें अब यहाँ पे चेक करने वाला हूं तो सबसे पहले एक नॉर्मल नंबर से शुरुआत करते हैं विच इज जीरो तो सपोज मैंने यहाँ पे जीरो डाला तो मुझे क्या मिलना चाहिए तो अगर आप नोटिस करते चलना अब है ना और चीजें कंक्लूड करते चलना तो इज निकेसिमर और इज डिजिट सब ट्रू है तीनों के तीनों क्या है तीनों के तीनों ट्रू है जीरो में ठीक है फटाफट देखते चलेंगे और इसको कमेंट भी या फिर एक काम कर चलो नहीं एक एक करके देखेंगे नहीं तो फंस जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है तो एक करके ही देखेंगे हम लोग थोड़ा सा छोटा कर करे तो ताकि स्पेस बने मिली प्रॉपर है ना चलो नेक्स्ट इज वॉट नेक्स्ट इज वन बेसिकली ठीक है तो वन क्या है आपका यार सो वन इज बेसिकली वॉट वन इज तीनों तीनों है ना इज 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 डेसिमल डिजिट तीनोमीटर ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर नेक्स्ट इज वन के बाद टू बेसिकली सो टू इज वॉट टू इज इज इजनोमैरिक में भी ट्रू इज डेसिमल में भी ट्रू इज डिजिट में भी ट्रू सो ऑल ट्रू राइट नेक्स्ट चलेंगे फिर इसके बाद यार विच वुड बी थ्री सो इसमें क्या मिलने वाला है मुझे थ्री में तो so, थ्री में भी तीनों ट्रू इज इज ठीक है वेल एंड गुड नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद थ्री के बाद फोर तो फोर में क्या यार फोर में भी आपके तीनों ही ट्रू है ठीक है फोर में भी तीनों ट्रू बढ़िया ठीक है चलो फोर के बाद नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट इज फिफ्थ में क्या फिफ्थ में कहानी is, में भी तीनों आपके ट्रू हैं फाइव भी तीनों ट्रू वेल एंड गुड फाइव के बाद नेक्स्ट क्या चलेंगे नेक्स्ट चलेंगे आपके सिक्स पे तो व्हाट अबाउट सिक्स तो सिक्स में भी तीनों ट्रू दिख जाएंगे आपको सिक्स में भी तीनों ट्रू हैं वेल एंड गुड नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट इज बेसिकली व्हाट नेक्स्ट इज सेवेंथ

अगेन तीनों ट्रू मिल जाएंगे आपको तो मुझे दिखा यार जीरो से लेकर नाइन तक मैं जब नंबर लिखता हूं तो मुझे सारे ट्रू मिलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती ओके मिक्स ऑफ नंबर ट्राई कर लेंगे जरा पहले है ना मिक्स मिक्स ऑफ ऑफ कोई भी रैंडमली ट्राई कर लिया क्या ये है बिल्कुल है तीनों ट्रू है ओके okay, अगर एक नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है देन तब भी क्या ऐसा ही है कहानी तो एक बार नंबर को जरा जीरो से स्टार्ट करके देख लेते हैं सपोज मैंने जीरो से स्टार्ट किया और बहुत कुछ भी नंबर डाल दिया रैंडमली सो क्या ये भी अभी भी तीनों में ट्रू है यस ये अभी भी तीनों में ही ट्रू है ठीक है क्लियर हुआ ये चीज समझ में आई आई होप दिस इज दिस पॉइंट इज क्लियर है ना चलो तो नंबर्स किसी भी फॉर्मेट में हो चलेगा मतलब मतलब नंबर्स को आपने इस तरीके से अरेंज करके किसी भी तरीके से लिखा दैट इज कंप्लीटली फाइन अब नेक्स्ट हम जरा डाइव इन करते हैं कुछ और पॉसिबिलिटीज में तो सबसे पहले जो हम उठाएंगे दैट वुड बी सुपर स्क्रिप्ट अब सुपर स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है यार तो प्रीवियस दोनों वीडियोस देख के आइए कैसे बनाते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए क्या आपको बैक स्लैश डालने की जरूरत है कैरेट सिंबल डालने की जरूरत है फिर उसको जो भी इंसर्ट करना है वो डालने की जरूरत है फिर टैब दबाने की जरूरत है So this will lead to your तो जैसे सबसे पहले जीरो चेक कर लेंगे यार, जीरो है ना? तो बैक स्लैश, जीरो, क्या ये आपका तीनों में ट्रू आने वाला है अब देखो यहाँ से चीजें चेंज होनी शुरू होगी आपको समझ मानी शुरू होगी तीनों में अगर आप देखिए तीनों ट्रू है नहीं भाई तीनों ट्रू नहीं है ये चीज इवन हमने डेमल में भी पकड़ लिया था समझ ली थी कहानी की यार देखो इज निक तो ट्रू है Is is true? That is not a कैसा भी नंबर वो नंबर होना चाहिए अगर वो नंबर है तो वो ट्रू है भले ही वो पावर में है मतलब सुपर स्क्रिप्ट है सबस्क्रिप्ट है ठीक है फिर वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में है या रोमन न्यूमरल्स में लिखा हो तब भी वो ट्रू आएगा निमेरिक में ठीक है डेसिमल में कब ट्रू आएगा जब वो नंबर डेसिमल फॉर्मेट में लिखोगे जैसे कि अभी फिलहाल डेसिमल फॉर्मेट में नहीं number है नंबर है बट डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है तो इसलिए फॉल्स आ रहा है इस डिजिट अगर कोई भी नंबर डिजिट है तो वहां पर ट्रू आने वाला है सिंपल सी बात ठीक है अब ये धीरे धीरे कहानी और क्लियर होगी आपको जब मैं आपको और पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाऊंगा जैसे सपोज अब यही कहानी मैं अगर इसमें और बैक मतलब अगर मैं और बेसिकली लेके आना चाहूँ जैसे कि मैं वन ले आऊँ ठीक है तो मैं और सब सुपर स्क्रिप्ट ला दूंगा वही कहानी मिलेगी ट्रू फॉल्स ट्रू मतलब निमारिक ट्रू डेसिमल फॉल्स एंड डिजिट इज ट्रू तो ट्रू फॉल्स ट्रू मिल जाएगा ठीक है वही सेम कहानी मैं और सुपर स्क्रिप्ट के साथ भी कर सकता हूँ विच इज़ बैक स्लैश कैरेट सिंबल टू और बहुत ज़्यादा कैरेट आगे सिंबल सॉरी टू ठीक है और टैब दबाएंगे सो इसमें भी ट्रू मिल जाएगा आपको ठीक है इसमें भी ट्रू मिल जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू मिल जाएगा बेसिकली ठीक है और ऐसे में बाकी सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर सकता हूं इफ यू वांट है ना तो आप सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे तो एक बार मैं लास्ट का और नाइन और दिखाता हूं एक बार है ना नाइन हो जाएगा तो बैक स्लैश कैरेट सिंबल नाइन टैब एंड दिस वुड लीड टू योर वर्ट दिस वुड लीड टू योर ट्रू फॉल्स ट्रू बैक अगेन अब बाकी सारी पॉसिबिलिटीज इसी फॉर्मेट में ट्राई करना आपका काम ठीक है बीच के नंबर जो मैं छोड़ रहा हूँ अभी चलो इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट देखा ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट देखेंगे सबस्क्रिप्ट के लिए क्या है भाई बैक स्लैश अंडर स्कोर एंड जीरो तो में आ गया। में ये अभी भी डिजिट ही है है ना अभी भी निमारिक ही है बट तो क्या डेसिमल है नहीं है तो वही सेम कहानी निमारिक इज ट्रू डेसिमल इज फॉल्स डिजिट इज ट्रू सिंपल सी बात ठीक है अब जरा इसी को मैं वन के लिए ट्राई करवाता हूं आपको अगर मैं इसको वन में डाल दू तो बैक स्लैश अंडो वन टैप ठीक है तो लेट मी रन दिस तो अब यहां पे देखोगे दिस इज अगेन ट्रू फॉल्स ट्रू ठीक है और अगर मैं यही कहानी अब लास्ट में पहुंचा दू जरा आपकी या टू पहले देखेंगे है ना टू भी देख लेंगे क्योंकि टू इज

अब देखो नेक्स्ट कहानी जो आपको समझनी है बेसिकली तो यहां समझ में आएगा सुपर सबस्क्रिप्ट हो गया जरा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को दोनों को मिक्स करेंगे एक साथ तो बेसिकली कोई भी रैंडम नंबर टू थ्री ले लेते हैं सपोज तो बैक स्लैश टू कैरेट सिंबल थ्री टैब सॉरी क्या कर दिया मैंने कैरेट सिंबल टू टैब तो ये सुपर स्क्रिप्ट बन गया और बैक स्लैश अंडर स्कोर थ्री टैब

डिजिट्रू so, true, true, है बट है, but decimal false है. अच्छा सेम कहानी अगर मैंने सपोज सबस्क्रिप्ट में करी तो मतलब मैंने सपोज टू बैक स्लैश कैरेट सिंबल एंड थ्री डाला सो दिस लीड टू वट दिस लीड टू अगेन ट्रू फॉल्स टू न्यूमेरिक ट्रू डेसिमल फॉल्स एंड डिजिट इज ट्रू बैक अगेन

ट्रू फॉल्स ट्रू फिर से इसमें आपको मिल गया मतलब आपको क्या समझ में आया यार कि जब भी सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट है उसको नॉर्मल नंबर के साथ मिक्स करो या फिर ब्लैंक छोड़ दो या सुपरस्क्रिप्ट सूप, सबस्क्रिप्ट को आपस में मिक्स करो हमेशा आपको न्यूमेरिक ट्रू मिलेगा डिजिट ट्रू मिलेगा बिकॉज वो नंबर है और वो डिजिट फॉर्मेट में डिजिट है वो तो उसमें ट्रू मिलेगा बट जैसे ही आप जंप करोगे आपके डेसिमल में तो उसमें आपको फॉल्स मिलेगा सिंपल सी कहानी है अब जरा नेक्स्ट फॉर्मेट में जंप करेंगे दैट इज योर फ्रैक्शंस वाला पार्ट है ना तो नेक्स्ट अब क्या करने वाले हैं अपन फ्रैक्शंस देखते हैं जरा कि नेक्स्ट फ्रैक्शंस में क्या कहानी होती है फ्रैक्शन बनाने का क्या तरीका बताया था वो भी मैंने आपको इज न्युमारिक वाले में समझा रखा है प्लीज अगर नहीं देखिए तो ज्यादा वीडियो देख के आओ तो सपोज मैंने लिखा बैक स्लैश फिर लिखा टू बाई थ्री वन बाय टू लिखते हैं फिलहाल तो वन बाई टू टाइप करेंगे तो ये आपको फ्रैक्शन बन चुका है अब इसमें कहानी देखते हैं क्या है तो अगेन कहानी कुछ वैसी आने वाली है बट क्या वैसी आने वाली है तो अब यहां पे समझने वाली बात कि यार यहां थोड़ी सी कहानी चेंज हो चुकी है कैसे कहानी चेंज हो चुकी है यार वन बाय टू नंबर है इज न्यूमेरिक है नंबर है ट्रू आएगा ठीक है बट क्या ये डेसिमल फॉर्मेट में है नहीं भाई ये डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है वन बाय टू इज नॉट इन अ डेसिमल फॉर्मेट तो यहां पे आपको मिल जाएगा फॉल्स डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है तो हम देख चुके हैं बट आपके लिए शॉकिंग ये है कि यार ये इस डिजिट में भी फॉल्स आ रहा है अब क्यों आ रहा है इस डिजिट में फॉल्स ये समझने वाली बात क्योंकि यार ये वन बाय टू डिजिट नहीं बचा डिजिट मतलब क्या होता है जैसे कि जीरो हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दीज आर डिजिट बट ये वन बाय टू इज नॉट एट ऑल अ डिजिट ये डिजिट नहीं है ये डेसिमल में है एक तरीके से डेसिमल मतलब इस डेसिमल में ट्रू आना चाहिए बट इस डेसिमल तो फॉर्मेट हो गया ये वन बाई टू नहीं होगा ठीक है तो बेसिकली डिजिट में ये इसलिए फॉल्स आ रहा है बिकॉज तो बचे नहीं है ठीक है अच्छा यही कहानी मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा इन सेंस की सपोज कुछ और ट्राई कर लेते चलो हो सकता है यार ये डिजिट में ना चल रहा हो ठीक है कुछ और ट्राई कर ले और एक सेकेंड यार एक गड़बड़ शायद मुझे दिख रही है इज मैंने ये इतना सारा स्पेस क्यों दे दिया इसके बीच में और अभी तक स्पेस देते आ रहे हैं क्या अपन और एग्जीक्यूट हो जा रहा है मेरे ख्याल से नहीं करना चाहता इतना स्पेस नहीं आना चाहिए ये स्पेस कहाँ से आ गया मैंने तो स्पेस नहीं दिया था ठीक है हाँ चलो अभी भी वही परफेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और पहले भी हो रहा था चलो ठीक है हो सकता है हो गया हो चलो कोई नहीं अपना आगे अब चेंज कर लेते ओके सो so, <coughs> हाँ हम क्या देख रहे थे हाँ, कुछ और वेराइटी देख रहे थे विच इज सपोज मैं आपसे कहता हूँ बैक स्लैश टू बाई थ्री अब बाकी सारी पॉसिबिलिटीज आप चेक करिएगा बट तक दिखाऊंगा मैं ठीक है अब इसको रन करेंगे तो देखिए क्या है अगेन वही कहानी कि इज नुमैरिक में तो ट्रू है क्योंकि नंबर है बट इस डेसिमल में ट्रू है क्या नहीं ये फॉल्स आ गया डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है इस डिजिट में फॉल्स ट्रू है क्या नहीं ये भी फॉल्स आ गया क्योंकि डिजिट नहीं है समझ में आया सो दिस इज अगेन फॉल्स क्लियर हुआ ये चीज चलो गुड नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट इज अच्छा इसको जो है नंबर्स के मिक्स कर लेते हैं ठीक है इज मैं अगर सपोज एंड बैक लिखून टू फ्रैक्शन में लिख दिया एक तरीके से इसको इसको तो जब मैं रन करूंगा सो so अगेन वही आंसर कि इस निवारक तो ट्रू है बट डेसिमल और डिजिट में फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि डेसिमल नहीं है ये डिजिट फॉर्मेट में नहीं है तो दोनों में फॉल्स तो निवारक में ट्रू है ये ठीक है क्लियर ये चीज ओके वेल एंड गुड नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वुड बी वट नेक्स्ट वुड बी ओके इसी को सुपर स्क्रिप्ट सब्सक्रिप्शन मिक्स करू क्या चलो करते हैं तो स्लैश वन बाय टू फिर टू ठीक है जिसका कोई सेंस नहीं बनता बट ठीक है लेट मी डू दैट ठीक है तो इसमें अगर, अगर आप देखो तो अगेन ट्रू फॉल्स टू है क्योंकि एक भी अगर फॉल्स आया तो फॉल्स हो जाती है ना कहानी वो कहानी है बस बेसिकली ठीक है आप चाहो तो इसी को मिक्स कर लो इसके साथ भी तो बैक स्लैश वन डिवाइड बाई टू एंड बैक स्लैश अंडर स्कोर थ्री तो ये भी क्या है भाई ये भी आपका ट्रू फॉल्स फॉल्स कहानी है राइट right. चलो नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट इज बेसिकली दोनों को मिक्स कर लेते हैं यार बैक स्लैश वन डिवाइड बाई टू इसका कोई सेंस नहीं बनता बट ठीक है वी आर डूइंग इट ठीक है और बैक स्लैश अंडर स्कोर थ्री ठीक है सो वी आर डूइंग इट ठीक है चलो सो ट्रू फॉल्स फॉल्स बैक अगेन है ना संतुष्टि यस yes. चलो नेक्स्ट आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज वॉट आफ्टर दिस ओके फ्रैक्शन हो गया हमारा फ्रैक्शन को हमने नंबर्स के साथ भी देख लिया तो फ्रैक्शन में हमने क्या कंक्लूड किया यार फ्रैक्शन में हमने कंक्लूड किया कि न्यूमेरिक तो ट्रू है बट डेसिमल और डिजिट दोनों ही फॉल्स है अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई आपके रोमन से चाहिए जो चीज आपने अभी भी देखी है ये सब चीजें आप वर्ड से भी उठा सकते हो यूनिकोड फाइल डायरेक्टली उठा सकते हो इफ यू वॉन्ट है ना वर्ड फाइल मैंने ओपन कर लिया ब्लैंक स्क्रीन पे गया मैं इंसर्ट वाले जा, जाएंगे सिंबल्स में जाएंगे यहाँ पे मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे और आपके लिए ऐसे सिंबल्स ओपन हो जाएंगे ठीक है आपको बस यहाँ पे यूनिकोड मतलब एरियल यूनिकोड हमें सेलेक्ट कर लेना है ठीक है कुछ और सेलेक्ट नहीं करना है और यहाँ से आप स्टार्टिंग से सर्फ करना शुरू कर सकते हो जो भी सिंबल आपको चाहिए अब जैसे धीरे धीरे आप सिंबल नीचे स्क्रॉल करोगे आपको अलग अलग सिंबल्स देखने को मिलेंगे जैसे कि चलो लैटिन वन सप्लीमेंटेड सप्लीमेंट मिल गया है बेसिकली आपको ठीक है और यहीं पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ही आपको मिल चुका है क्या देखो यहाँ पे आपको वन बाय फोर वन बाय टू थ्री बाय फोर यहीं मिल गया बट अगर आपको सारे चाहिए टू थ्री मिल चुका है तो उसकी एक अलग कैटेगरी ही है यहाँ पे अब यहाँ से कॉपी पेस्ट मार सकते हो थोड़ा सा नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ आपको दे नीचे मिलेगी चीज़ें तो नीचे 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 नीचे, नीचे जैसे आओगे आप तो आपको मिलेगी यार कहाँ गया हाँ देखो सुपरस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट ना यहाँ पे देखो तो दीज आर जीरो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सुपरस्क्रिप्ट प्लस माइनस इज इक्वल्स टू है ना फिर एन फिर नीचे जीरो वन टू थ्री सब्सक्रिप्ट में फिर माइनस सब सब्सक्रिप्ट में मिल गया बट हमारा कंसर्न बेसिकली भी फिलहाल ये नहीं है हमारा मेन कंसर्न जो है क्या है वो है आपका नंबर फॉर्म्स

मतलब ये चीज आप भी कर सकते हो अगर इसमें दिक्कत है तो ये भी दिखाते हैं आपको विच इज बैक स्लैश वन डिविजन तो ये वही कहानी वही सिंबल आ गया ना बेसिकली वापस से तो ये ऐसे भी ला सकते हो आप ये भी ट्रू फॉल्स फॉल्स ही ठीक है ठीके? चल ये भी फ्रैक्शन में काउंट हो जाएगा है ना तो हमारा मेन कंसर्न फ्रैक्शन भी नहीं है हमारा मेन कंसर्न क्या है यार हमारा मेन कंसर्न है ये रोमन निमरल्स ठीक है अभी रोमन no, रोमन को चेक करते हैं तो रोमन रोमनल्स इंसर्ट मारू जरा तो फटा फटाफट तो ये इंसर्ट मारा मैंने ये इनसेट मारा मैंने ये मारा ये मारा ये मारा पांच पांच देखेंगे सबके ठीक है इसमें जो कुछ यार बट यहाँ पे तो सारे ही देखने पड़े क्योंकि तो यहाँ पे सारे अलग अलग है ठीक है चलो इसमें तो सारे देख ही लेते हैं अपन बट आगे वालों में जो है हमारे वो हम यूनिकली देखेंगे ठीक है फिर ये पूरा देख लेते हैं ऑल दो जो कहानी ऊपर वालों में ना वही कहानी नीचे भी देखने को मिलेगी आपको ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होगा बट ठीक है चलो इफ़ यू वॉन्ट हम देखेंगे अब इसके बाद आगे आपको और भी फॉर्मेट्स मिलेंगे ठीक है जो अपन ट्राई करेंगे जैसे ओके ये रूट वाले भी ट्राई करके देखते हैं कि व्हाट अबाउट दिस ये अभी कभी तक ट्राई नहीं किया अब तक हमने ये ट्राई करके देखें बट पहले इसको देखिए ना तो पहले कैपिटल वाले सिंबल्स उठाते हैं सो तो ये उठाए कॉपी पेस्ट मारे मैंने कॉपी करे और यहाँ मार दी क्या पेस्ट ठीक है और मैं क्या करूंगा भाई इसको करूँगा कॉपी फिलहाल इसको करूँगा कॉपी और इसमें एक एक करके डिलीट मारता चलूंगा रन करता चलूंगा डिलीट करता चलूंगा तो इसको रन करके देखें अगर हम दिस so इज अब ध्यान से नोटिस करेगा वही सेम कहानी आएगी निमेरिक ट्रू है डेसिमल फॉल्स है डिजिट फॉल्स है बिकॉज डिजिट नहीं है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं है डिजिट नहीं है तो ये भी फॉल्स है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वुड बी वर्ड नेक्स्ट वुड बी योर ट्रू ठीक है ट्रू रन करेंगे बेसिकली तो ट्रू में आपको क्या देखने को मिलेगा अगेन ट्रू फॉल्स फॉल्स न्यूमेरिक ट्रू डेसिमल फॉल्स डिजिट फॉल्स ठीक है चलो इसके बाद नेक्स्ट रन करेंगे ये फिर एक काम करें मन थ्री तक रन करें इसको उसके बाद फिर पूरा कंबाइंड रन कर देंगे ठीक है तो थ्री में देखो इज निक ट्रू डेसिमल फॉल्स डिजिट फॉल्स सब फॉल्स वाले है ना अब मैं काम करता हूँ क्या देखो अब मैं काम ये करूंगा यहाँ पे इसमें बेसिकली दैट इज कि थ्री तक तो ठीक है थ्री तक तो ठीक है अब इसके जरा सी डी एम वाले ट्राई कर लेते हैं एक बार मतलब एल सी एम और फिर एक साथ सारे रन कर देंगे सारे अगर एग्जीक्यूटिव को तो काम चल जाएगा मेरा ठीक है तो एक बार सी डी एम ट्राई कर लेते हैं एल सी डी एम एल है क्या बिल्कुल ट्रू फॉल्स फॉल्स है है ना तो निमारिक में ट्रू है बट बाकी में फॉल्स 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 है अब एल कैरेक्टर नहीं है ये एल रोमन निमरल के तरीके से लिखा हुआ है ठीक है ऐसे ही सी ट्राई करते हैं जरा सी में क्या होगा सी भी कैरेक्टर नहीं है सी सी क्या है रोमन न्यूमरल है तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्सफॉल्स क्या आ गया ठीक है चलो नेक्स्ट देखेंगे सी नेक्स्ट सो सी डी के क्या हो रहेगा भाई डी लेटर नहीं है ट्रू फॉल्स फॉल्स न्यूमेरिक है नंबर है रोमन न्यूमरल में लिखा हुआ है तो किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो अगर वो नंबर है तो वो नंबर है न्यूमेरिक के लिए वो नंबर है ठीक है एम चेक करें अगर तो एम भी अगर आप देखो तो ट्रू फॉल्स फॉल्स देखने को मिलेगा ठीक है अब ये देखो एक इन सब में से सब में एक ना एक फॉल्स मिली गया मुझे तो सब में ये फॉल्सी देखने को मिलेगा तो अगर मैं कंबाइंड रन करूं तो इज नायर ट्रू है बट डेसिमल और डिजिट आपको फॉल्सी देखने को मिलेंगे बैक अगेन तो ट्रू फॉल्स फॉल्स आपको देखने को मिल रहा है ठीक है सो आई होप ये चीज़ क्लियर अब नेक्स्ट जो उठाने वाले हैं वो हम क्या उठाने वाले इसका स्मॉल लेटर्स उठा देते बार ठीक है सो वोट अबाउट द स्मॉल लेटर्स विच आर दीस वन तो इसको हटाएंगे डिलीट करेंगे और ये कट मार के यहाँ पे मार देंगे पेस्ट ठीक है अगेन एक दो तीन देखेंगे बस है ना एक दो तीन देखेंगे यहाँ पे लास्ट का देखेंगे और फिर एक साथ कंबाइन देख लेंगे इसमें तो ये स्मॉल वन ट्रू फॉल्स फॉल्स है ठीक है ट्रू फॉल्स फॉल्स है फिर इसको कॉपी नहीं किया था मैंने ठीक है वन के बाद क्या देख ले टू देख ले ठीक है टू में भी ट्रू फॉल्स फॉल्स मिल जाएगा आपको ट्रू फॉल्स फॉल्स इज देयर ठीक है ये रोमन ट्रू टू है भाई है ना ये ध्यान रखिएगा डाउट नहीं होना चाहिए इसमें थ्री देखिए जरा थ्री देख लेते हैं यार थ्री में क्या आएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स राइट अगेन ट्रू फॉल्स फॉल्स व्हाट अबाउट नेक्स्ट वंस व्हिच इज एलसीएम एल क्या है भाई अगेन ट्रू फॉल्स फॉल्स है ना एल इज अगेन ट्रू फॉल्स फॉल्स चलो नेक्स्ट देखिये एल के बाद सी सी में क्या आ जाएगा अगेन ट्रू फॉल्स फॉल्स सी इज अगेन ट्रू फॉल्स फॉल्स ठीक है D is basically what? D is again true, false, false. ना D is again what? D is again true, false, false. And what about M? M is back again, true, false, false. आपको देखने को मिल जाएगा, same कहानी. और एक बार combine सारे देख ले, तो वो भी आपको वही true, false, false देखने को मिलेगा. ठीक है, वो आप सारे digits पे try कर सकते हो, वो आपका काम रहा. तो यहाँ पे भी true, false, false देखने को मिलेगा आपको, right? चलो बढ़िया नेक्स्ट देखिए आप इसके बाद नेक्स्ट उठाएंगे नेक्स्ट क्या है यार आपकी स्पेशल सिंबल्स है ना तो ये उठा लेते हैं Although ये भी रोमन हैं तो ये भी आपको वही निमारिक में तो ट्रू देंगे बट क्या डिजिट में ट्रू देंगे और डेसिमल में फॉल्स हम देख चुके हैं बट क्या डिजिट में ट्रू देंगे नहीं भाई डिजिट नहीं है ये तो फॉल्स देंगे बिल्कुल फॉल्स देंगे ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा नेक्स्ट इज डी वाला देख लेते हैं जरा कि डी की क्या कहानी भाई अबाउट दिस डी ठीक है तो ट्रू फॉल्स फॉल्स बैक अगेन ये सब हैं बट डेसिमल डिजिट में फॉल्स आ रहे हैं ठीक है वर्ड अबाउट दिस तो इसमें भी आपको वही ट्रू फॉल्स फॉल्स देखने को मिलेगा ठीक है दिस इज अगेन ट्रू फॉल्स फॉल्स राइट अच्छा और उठाते जरा नंबर्स विच आर वर्ट विच आर सभी निकाल देना अपन ने तो यार देखो ये तो हो गए सब ठीक है ये तो आपके यहाँ तक चेक कर तो ही ये इसके बाद मुझे दिख रहा है कुछ भी नहीं है बट चेक करते इनकी क्या कहानी क्या नुमैरिक मीटर आने वाले क्या अच्छा ये सब तो एंगल सिंबल्स है ये सब तो किसी काम के नहीं है ठीक है तो ये तो एंगल है ये सब तो अलग अलग सिंबल्स हैं मैथमेटिकल सिंबल्स हो गए तो है ना आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस नेक्स्ट जो हमारे काम की चीज़ बची वो ओके okay, इसमें देखना है क्या यार ठीक है वट इज़ दिस सिंबल फॉर नाल वाट इज़ दिस सिंबल फॉर स्टार्ट ऑफ हैड चलो ये तो अलग चीज़ हो गई है ना ये अपने काम की नहीं है ओके okay, मेन अपना ये और देख रहे हैं अपने को ठीक है क्या ये भी नंबर हैं क्या हुक चेयर नहीं नहीं तो यहाँ से नंबर चेक करेंगे तो ये चेक करेंगे बट तो ये करेंगे पहले तो ये चेक करते हैं ज़रा है ना वॉट अबाउट दिस थिंग तो पहले यार जरूर चेक करेंगे फिर बाकी नंबर्स आके चेक करेंगे सो इफ क्यूब रूट हट ओके सॉरी मैंने गड़बड़ करी पहले कॉपी तो किया ही नहीं पूरे को फोर्थ रूट हटाते हैं क्यूब रूट हटाते हैं पहले स्क्वायर रूट चेक करते हैं क्या स्क्वायर रूट में कुछ कहानी आएगी तो अगर स्क्वायर रूट में देखो तो यार तीनों ही फॉल्स है स्क्वायर रूट तीनों ही फॉल्स है निमारेक नहीं है ये ठीक है व्हाट अबाउट क्यूब रूट एंड फोर्थ रूट बेसिकली सो क्यूब रूट चेक करते हैं इसके बाद क्यूब रूट में क्या कहानी क्यूब रूट इज बैक अगेन ओके सॉरी मैंने गलती से पावर शल यहाँ ओपन कर लिया हाँ

या वन टू थ्री करते हैं और लास्ट में नाइनटीन और ट्वेंटी करते हैं ठीक है एंड लाइक दिस तो ये ट्राई करते अपन पांच ठीक है चलो लेट मी लेटमी स्पेस्ट इट इसको कॉपी करूंगा मैं और यहां से टू वन उठाएंगे सिर्फ है ना तो वन को जब मैं चेक करूंगा तो आप क्या देख रहे हो अब देखना अब चेक करना ध्यान से समझना चीज को इज न्यमैरिक्रू

टू इज बैक अगेन वट ट्रू फॉल्स टू about अबाउट थ्री वबाउट 3 बेसिकली तो थ्री में अगर आप देखो तोट इज बैक अगेन ट्रू फॉल्स टू थ्री इज बैक अगेन वट ट्रू फॉल्स टू ओके थ्री के बाद फोर चेक कर फोर नहीं अपना है ना नाइनटीन चेक करते हैं जरा what about अबाउट 19? So 19 इज बैक अगेन ट्रू फॉल्स टू अच्छा ये ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया ये क्यों भाई ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया ये ट्रू फॉल्स टू क्यों नहीं आया क्योंकि 19 नाइन इज नॉट अ डिजिट

हमने जीरो वन टू थ्री फोर देखा था सिक्स सेवन एट नाइन टेन देखा था बट कम्बाइन करने पे क्या हुआ था क्या कम्बाइन करने पे भी सारे ही ट्रू आए थे क्या जरा ये चेक करते हैं क्या, क्या? क्या? इसमें भी इस डिजिट ट्रू आया था है ना तो यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या इस डिजिट ट्रू है हाँ यहाँ इस डिजिट ट्रू आ रहा है बिकॉज शायद यहाँ पे ये यह हर एक नंबर को ये डिजिट मान रहा है यहां ये सिंगल नहीं है जैसे यहां सेवन को डिफरेंट कैरेक्टर एट को डिफरेंट कैरेक्टर वन को डिफरेंट कैरेक्टर मान रहा है जीरो को डिफरेंट कैरेक्टर मान रहा है और हर एक ये सेवन एट वन जीरो नाइन एट जीरो सेवन एक डिजिट है तो इसीलिए सारे डिजिट है तो इस डिजिट में ट्रू आ गया मतलब डिफरेंट कैरेक्टर मान रहा है सिंपल सी बात ही ठीक है वही सेम कहानी अगर आप देखो मतलब ये डाउट रहेगा डेफिनेटली आगे रहेगा जैसे यही सेम कहानी मैं यहां पर दे पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि इस इस टू। यहाँ पे जीरो एक डिजिट इज क्योंकि यहां है फोर एक डिजिट है सिक्स एक डिजिट है फाइव एक डिजिट है तो कंबाइंड में हर एक डिजिट मतलब हर एक कैरेक्टर एक डिजिट है तो इसी वजह से ट्रू आ रहा है बट नीचे वाले में यहां पे क्या हो रहा है यहां पे समझिएगा कहानी भाई यहां पे क्या हो रहा है यहां पे 20 आपका डिजिट नहीं है ट्वेंटी कंबाइंड एक नंबर है टू जीरो नहीं है ये टू और जीरो सेपरेट नहीं है जैसे कि टू डिजिट जीरो पूरे में आपको क्या मिल रहा है आपको नीचे मिल रहा है अच्छा यही कहानी अगर मैं आपको नाइन तक दिखाऊंगा ना तो नाइन तक तो आपको ट्रू देखने को मिलेगी ठीक है अब जरा नाइन भी उठाई लेते हैं जब ऐसा पड़ी गया है तो नाइन भी उठा लेते हैं जरा तो इसमें से नाइन नाइन टेन और इलेवन उठा लेते हैं ठीक है नाइन टेन इलेवन उठाते हैं जरा नाइन टेन इलेवन में आप देखोगे यार नाइन में तो ट्रू आएगा है ना बट क्या टेन इलेवन में ट्रू आने वाला है तो जरा चेक करेंगे हम लोग इसको ठीक है और मैं क्या काम करता हूँ यार इसको ही कट मारता हूँ सीधे बस ठीक है आगे नहीं गड़बड़ करी मैंने एक्चुअली पूरा ही कॉपी करना चाहिए मुझे ठीक है ओके लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस तो ओके मैंने गड़बड़ करी मैंने गड़बड़ क्या करी मैंने इसको हटाया नहीं ठीक है नाइन चेक कर रहे हैं बन फिलहाल सिर्फ तो नाइन एस डिजिट में क्या आएगा ट्रू आएगा क्योंकि नाइन एक डिजिट है नाइन एक डिजिट है बट क्या एक डिजिट है क्या आ रहा है अंडरस्टोड ये चीज ध्यान रखना ठीक है ये चीज ध्यान रखना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें फंसाई जा सकती है ना फसो तो इसीलिए इस तरीके से ध्यान रखना इलेवन नहीं है भाई फॉल्स इस डिजिट नहीं है क्लियर सब कुछ यही कहानी आपको आगे ऑब्जर्व होगी बाकी सारे पैटर्न्स में भी मतलब सपोज अब ये तो सर्कल वाले हो गए जरा ये वाला निकालते हैं वन टू है ना ये तो चलेगा फिर नाइन फिर टेन फिर ये भी चलेगा ठीक है फिर नाइनटीन फिर ट्वेंटी अब इनको चेक करते हैं जरा लेटेस्ट चेक दिस वन तो इसको कॉपी कर ले जरा सो so, कॉपी कर लिया मैंने और यहां मार देंगे पेस्ट ठीक है और इस पूरे को कॉपी करके Right. क्या ये एक डिजिट है क्या डिजिट है बिल्कुल डिजिट है ये इस डिजिट में ट्रू आएगा निवारक में भी ट्रू आएगा डेसिमल फॉर्मेट आएगा क्योंकि डेसिमल में फॉर्मेट में लिखा हुआ ठीक है बढ़िया इसके बाद नेक्स्ट क्या यार इसके नेक्स्ट क्या टू देख लेते हैं यार एक बार टू एक डिजिट है बिल्कुल टू एक डिजिट है क्यों नहीं है तो ट्रू फॉल्स ट्रू मिलेगा बट नाउ द क्वेश्चन नाइन में क्या तो नाइन एक डिजिट है इसमें भी कोई क्वेश्चन की तो बात ही नहीं है नाइन भी एक डिजिट ही है है ना तो भी डिजिट मिलेगा आपको तो दिस इज अगेन ट्रू फॉल्स ट्रू बट नाउ वट अबाउट टेन वॉट अबाउट टेन वॉट डू थिंक टेन में क्या आंसर आना चाहिए तो टेन में आंसर आएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स बेसिकली ओके मैंने गलती करी है ना ट्रू फॉल्स फॉल्स आना चाहिए क्योंकि इस डिजिट में नहीं आना चाहिए तो इस डिजिट में फॉल्स आएगा तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया तो टेन इज वॉट ट्रू फॉल्स फॉल्स राइट टेन एक डिजिट नहीं है, right? 10, नहीं है. 19, है क्या थिंक नाइनटीन एक डिजिट है और ट्वेंटी में क्या वट अबाउट ट्वेंटी पैरेंथिस के अंदर इनक्लोज ये ध्यान रखना है ना तो वट अबाउट ट्वेंटी सो ट्वेंटी इज बैक अगेन ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा आपको आंसर मिलेगा क्लियर सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट है ना ये समझ में आ गया आपको ये इवन आप इसमें भी चेक कर लो इफ यू वांट आप इसको डेसिमल वाले नंबर्स में चेक कर लो तो यहाँ पर भी वन उठाएंगे टू उठाएंगे फिर नाइन उठाएंगे टेन उठाएंगे फिर नाइन्टीन उठाएंगे ट्वेंटी उठाएंगे इसको चेक कर लेते हैं भाई ठीक है तो अब आगे बताएंगे कहानी और बताएंगे डोंट वरी ठीक है जो आपको कंफ्यूजन है ऑल द प्रीवियस वाले वीडियो में क्लियर कर दिया मैंने बट ठीक है दोबारा बताएंगे यहाँ पे चलो वन देखेंगे वन क्या है बिल्कुल ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू निमारिक में भी ट्रू है डिजिट में भी ट्रू है ठीक है में ट्रू डिजिट में नेक्स्ट देखते हैं विच इज टू नाइन टेन मतलब सॉरी ओके मैंने गड़बड़ करी टू देखना है ना अपने को टू देखते हैं कि क्या टू है डिजिट ट्रू टू भी डिजिट है ट्रू फॉल्स टू, टू मिलेगा आपको ठीक है ओके ट्रू फॉल्स टू, टू मिलेगा नेक्स्ट देखते हैं यार नेक्स्ट इज नाइन बेसिकली नाइन देखते हैं अबाउट वाइन नाइन एक डिजिट है क्या

क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है है ना आई डोंट थिंक सो आगे कोई भी नंबर मुझे दिखने वाला है क्योंकि नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते ओके okay, ये भी एक नंबर हो गया है ना मुझे मिल के नंबर चलो बढ़िया तो यहाँ पे वन टू उठा लो इफ़ यू वांट है ना अब ऐसे आप सारे नंबर्स ट्राई कर सकते हो है ना इफ़ यू वांट आप सारे नंबर्स ट्राई करो वन टू उठाते हैं अब नाइन उठा लेते हैं नाइन तक तो रहेगा टेन भी उठा देते टेन के बाद नहीं है इसके अंदर ठीक है फिर अब अलग अलग फॉर्मेट में लिखे हो मैं ये वन उठा लेता हूँ मैं नाइन उठा लूंगा फिर टेन उठा लूंगा बस ठीक है और इसमें और भी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे ऐसे है ना तो आप ट्राई कर सकते हो वन उठा लूँगा और टेन उठा लूंगा बस इधर इसमें से ठीक है आगे बढ़ेंगे नीचे और कोई नंबर दिख रहा है क्या अब इसके आगे नंबर देखना ये थोड़ा सा मुश्किल और हो गया है ठीक है बट कुछ नहीं पता यूनिकोड पूरा तो पढ़ा नहीं हुआ है मैंने कि कब भी कहाँ पर आ जाए ठीक है अब ये मीटर स्क्वायर ये तो यूनिट्स हो गए है ना दीज आर डिफरेंट थिंग्स ठीक है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर भी एग्जिस्ट करता है वैसे इसके अंदर है ना समझ में आपको ये भी एग्जिस्ट करता है इसके अंदर ठीक है और मुझे सीखो अब तो चाइनीज जापनीज चल रही है ठीक है आन देर आर नो सिंबल्स अब आपका काम रहा बाकी सिंबल्स एक्सप्लोर करना है एक बार ये और दिखा देंगे आपको बस बाकी अब एक्सप्लोर करना है ना ओके चलो नेक्स्ट ये पूरे कॉपी पेस्ट और ये पेस्ट सॉरी एंड ये पेस्ट ठीक है देखो डिफरेंस है ना डिफरेंस तो है यार है ना अब ज़रा चेक करते हैं इनको कहानी क्या है क्या ये न्यूमेरिक में आने वाले हैं नहीं आने वाले नंबर है कि नहीं है ठीक है तो डिफरेंट फॉर्मेट है बट निमेरिक भी ट्रू एंड डिजिट भी ट्रू समझ में आया <laughs> और डिजिट दोनों ट्रू कर दिया इसने तो कैपेबल तो है चलो नेक्स्ट देखेंगे टू ट्रू फॉल्स ट्रू वेरी सेम भाई अब तो प्रिडिक्ट कर सकते हो आप ट्रू फॉल्स ट्रू राइट सो किसी भी फॉर्मेट में नंबर मतलब क्या समझ में आया कंक्लूड कर लिया ना अब आपने किसी भी फॉर्मेट में नंबर मतलब इज निक इज ट्रू डेसिमल फॉर्मेट में है तो ट्रू डेसिमल में आएगा नहीं तो फॉल्स आ जाएगा और अगर वो डिजिट है तो आपको ट्रू मिलेगा नहीं तो आपको डिजिट में भी फॉल्स मिल जाएगा ठीक है जैसे तक तो देख अब 10 देखो डिजिट डिजिट में में फॉल्स फॉल्स आ जाएगा यार digit में false और बाकी ट्रू है और फॉल्स है है ना तो ये समझ में आ चुका है तो अब तो क्लियर तो हो जाना चाहिए यार अब नहीं डाउट बचना चाहिए अब डाउट का को कोई मतलब ही नहीं बचा ये वाला वन चेक कर लो यार ये भी एक तरीके का नंबर ही है बेसिकली तो ट्रू फॉल्स टू आना चाहिए बिल्कुल ट्रू फॉल्स टू आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद चेक कर लेते हैं तो आप किसी भी तरीके से नंबर लिख रहे हो यार है ना किसी भी तरीके से नंबर नंबर होता है तो ट्रू फॉल्स ट्रू है ना अब इसमें जरा नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इज दिस ये 10 क्या तो इस 10 को चेक करेंगे अगर हम सो यूल गेट ट्रू फॉल्स फॉल्स टेन डिजिट नहीं है ना यार अंडरस्टूड जीरो से लेके नाइन तक होते हैं डिजिटे टेन के बाद ये वाला वन चेक कर लेंगे यार एक बार इज इज दिस वन True, false, true. One, एक डिजिट है तो करेंगे इसी का तो वो आपको false मिल जाएगा डिजिट में number तो है डिजिट नहीं है तो आपको इसमें पे मिल जाएगा नीचे तो true, false, false. Clear? तो कोई भी number आपको समझ में आ चुका है अंडरस्टूड तो आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी है अब नेक्स्ट हम डाइविंग डाइव इन करेंगे यार अब ये इस तरीके से पूछा थोड़ी जाएगा देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन पहले बाकी लेटर्स क्लियर करता हूं आपको डिजिट में में आपने वही सब देख चुके हो आप कहानी ठीक है पहले आपको डिजिट में क्लिक करता हूँ फिर एक और कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा आपके लिए यह नया फॉर्मेट बनाऊंगा मैं देखो क्या प्रिंट मैं क्या आप कौन था शायद प्रिंट सिंबल दे दूंगा क्या करना है फिर कॉमा लगा के फिर सिंबल दे दूंगा और इसमें मैं लगा दूंगा डॉट इज डेसीमल नहीं इज डिजिट सॉरी तो डिजिट के लिए पहले चेक करके आपको दिखा देता हूँ पूरी कहानी सारी ताकि आप फिर आगे डाउट ना करो जो हम डेसि में और डेसिमल में और फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल में और नमारक में देख चुके तो हैं मतलब सारे कैरेक्टर सारे बाकी सारी पॉसिबिलिटीज वो सब ठीक है तो जरा वो चेक करते हैं अच्छा यहाँ एक कैरेक्टर फिलहाल यही तो मैं लिखी दूंगा ठीक है इसको कॉपी करूंगा बेसिकली नहीं इसको नहीं इसको एंटर वाले साथ कॉपी करूंगा ठीक है वो बहुत आसानी से हो जाता है और यहाँ पेज छोड़ दिया मैंने भूल गया सो जाता था थोड़ी देर के लिए ठीक है चलो तो ये मैंने कर दिया पेस्ट इतने सारे और इसमें हम सारी पॉजिटिटिव एक साथ फटाफट चेक कर देंगे अपन सो स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ स्मॉल जी स्मॉल एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी u v w x y z कैपिटल्स में a b c d e f g h i j k l m n o p यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सेट ठीक है तो ए बी सी डी अपनी पूरी शुरू खत्म हो गई अब नेक्स्ट शुरू करेंगे सिंबल्स भाई फॉरवर्ड स्लैश हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया फिर ये हो गया फिर ये हो गया फिर ये हो गया दी, ठीक है हाँ अब डॉट हो गया ठीक है फिर ये हो गया फिर ये हो गया फिर ओके, ये नहीं कर पाएंगे अपनी ये कर पाएंगे ये हो गया फिर सेमी कॉलन हो गया सेमी कॉलन हो गया फिर वर्टिकल बार हो गया फिर करली स्क्वायर करली स्क्वायर, ठीक है फिर डबल के अंदर सिंगल कर दिया ठीक है एंड बस कीबोर्ड के तो सारे सिंबल्स हमारे हो गए अब इसके बाद फिर लेटर्स मतलब स्पेसिंग्स वगैरह और वो सब देखना है तो वो अपन वही अपने यूजुअल वाले फॉर्मेट से देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कोई भी कैरेक्टर इस डिजिट में ट्रू नहीं देगा आपको ना कोई भी अल्फाबेट देगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जी के एलमी क्यू आर एस टी ना कोई भी सिंबल देगा ना इवन फुल स्टॉप देगा ना नेगेटिव साइन देगा कुछ भी आपको ट्रू नहीं देगा ये सब फॉल्स ठीक है ये कहानी हमने उसमें भी देखी थी यहाँ पर भी समझ में आ गया आपको ठीक है इस नारिक इस डेसिमल सब में देखी हुई ये कहानी हमने अच्छा इसी में मैं अभी फिलहाल एक और चीज़ रन करूँगा वही फॉर्मेट में मैं ओके ये वाले फॉर्मेट में

तो इसका आंसर आप अगर देखो तो आपको फॉल्स 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 ना ये न्यूमेरिक है ना ये डेसिमल है ना ये डिजिट है सब में फॉल्स मिलेगा ठीक है अच्छा इसी में मैं आपको एक फॉर्मेट इस सेंस में दिखाऊंगा बेसिकली आपको यही मैं फॉर्मेट एक इस सेंस में दिखाऊंगा विच इज कि अगर सपोज मैं यही नाइन बाई की जगह एक ऐसी टर्मिनेटिंग वाला डाल दू नाइन बाई तो ये भी आपको फॉल्स मिलेगा ऑल फॉल्स ठीक है और अगर मैं इसे सपोज इस तरीके से डाल दूं बच्चे सपोज वन बाई टू वन बाई टू तो ये भी आपको फॉल्स ही देगा बेसिकली तो ये भी फॉल्स देगा तीनों में क्यों बिकॉज यार सिंपल सी बात है यहाँ पे ये एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है ये एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है ये मैं सपोज यहाँ लाता हूँ तो आप टू एक कैरेक्टर है फिर फॉरवर्ड स्लैश एक कैरेक्टर वन एक कैरेक्टर है तो यहाँ ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ना ये आपका डिजिट में काउंट नहीं होता ना निमेरिक है ना ये डेसिमल है तो इसीलिए ये तीनों ही फॉल्स आ गए

इसलिए आप नेगेटिव साइन में देखो भाई माइनस टू पॉइंट फाइव या टू पॉइंट टू देखो फिलहाल तो नंबर में देखो इसमें आपको फॉल्स मिलेगा बिल्कुल मिलेगा ठीक है अगर इसी में मैं लिख दूं, मैं इसी में लिख दू माइनस टू पॉइंट थ्री तो वो तो फॉल्स मिलना ही है इसमें समझ में आया आई होप दिस थिंग कोई दिक्कत नहीं है राइट right? तो ये चीज क्लियर हो गई है, है ना तो ये सब फॉल्स है बेसिकली ठीक है तो ये सब चीजें फॉल्स हैं ठीक है नन ऑफ देम आर ट्रू, कॉम्प्लेक्स नंबर चेक कर लो एक बार टू प्लस थ्री जे तो ये तो फॉल्स ही होगा वाई फॉल्स होगा भाई ये, ये इसलिए फॉल्स होगा बिकॉज आपका यहां पर जे है ना प्लस बी है तो फॉल्स ऑल ठीक है चलो सो so, अब ये सब फॉल्स इनमें से कुछ भी यूज हुआ तो सब फॉल्स बन जाएगा स्टेटमेंट सिंपल सी बात एक भी फॉल्स तो फॉल्स हो जाती है कहानी अच्छा इवन इसमें एम टी स्ट्रिंग दिखाता हूँ तो एम टी स्ट्रिंग में कहानी क्या ऑल फॉल्स एम टी स्ट्रिंग में ऑल फॉल्स ठीक है एम टी स्ट्रिंग के अलावा अगर सपोज मैं यहाँ पे स्पेस करेक्टेड डाल दूं तो भी क्या तीनों में ऑल फॉल्स है ना ऑल फॉल्स स्पेस तीनों में फॉल्स ठीक है चलो स्पेस के अलावा बेसिकली मैं अगर आपसे कहूँ स्पेस के अलावा अब इसी के साथ आते हैं मेन मुद्दे पे ये तो समझ में आ गया आपको है ना तो ये जो हमने decimal, को में देखा था डिजिट में देख लिया ठीक है ये चीज आपको क्लियर है ठीक है इसमें हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अब जो मेन हमारे लिए कंसर्न है वो ये चीज है कि यार ये वर्ड वाले वन पॉइंट मतलब सपोज यहां पे इस तरीके से चलो ये तो फिर भी हम बना नहीं पाएंगे उसमें हम जैसे ये बना पा रहे हैं कुछ स्टार्टिंग से शुरू करते हैं विच इज चलो ये तो है ही ये तो होंगे ही ट्रू है ना नॉट दिस वन जैसे एक रोमन उठा लेते हैं ठीक है पहले रोमन उठा लेते हैं ठीक है नंबर फॉर्म सीरा तो रोमन में जैसे सपोज मैंने ये सी उठा लिया Now, इस सी में इस सी में बेसिकली इस सी में और इस सी में क्या अंतर ठीक है लेटस फाइट बिटवीन द टू ठीक है लेटस सॉरी लेटस हैव अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू ठीक है विच इज भाई इस सी में क्या वो पेस्ट क्यों नहीं हो रहा ओके okay, शायद कुछ गड़बड़ हो गई लेट मी कॉपी इट बैक अगेन ओके इस सी में और ये जो सी में बना रहा हूं इन दोनों में क्या अंतर बेसिकली भाई इन दोनों में बहुत अंतर है ये न्यूमरल है ये मैरिक है ही अलग चीज है ठीक है करके दिखाता हूँ चलो इस दोनों को ही ठीक है सो विल कम्पीट बिटवीन द टू ठीक है सो हम क्या करेंगे यार सो so, हम करेंगे print करेंगे बेसिकली यहां लिख देंगे कीबोर्ड वाला है ना कीबोर्ड कीबोर्ड है ना और ये कीबोर्ड वाला आउटपुट आने वाला है स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट लगाने वाले अपन ठीक है इस डिजिट या इस डेसिमल या फिर इस न्यूमेरिक सब में ये लगाने वाला कीबोर्ड वाला ठीक है इस डिजिट कीबोर्ड वाला आपको सॉरी की बोर्ड वाला इस डिजिट में नहीं इस डेसिमल और इस उसमें लग जाएगा ओके सॉरी मैंने गलती करी आ, चलो पहले इसका कॉपी करके इसमें ही कॉप कीबोर्ड की जगह कर देंगे अपन कि यूनिकोड कैरेक्टर है यूनिकोड कैरेक्टर है ठीक है यूनिकोड में आ जाएगा अब यही कीबोर्ड वाली कहानी आपके जो कीबोर्ड में है यही एक आएगी आपकी अब कीबोर्ड के बजाय यूनिकोड में वही चीज यूनिकोड में बेसिकली और कहानी आएगी क्या यार तो बेसिकली कहानी आपकी आएगी इज ए न्यू मेवरिक ठीक है और इसी को कॉपी पेस्ट नीचे करेंगे यूनिकोड और यहां आएगी बेसिकली आपकी इज डे ठीक है चलो तो बेसिकली ये सी और ए सी में क्या डिफरेंस तो ये सी कहाँ कहाँ जाने वाला है यार ये सी आपका जाने वाला है कीबोर्ड वा, सॉरी ये जाने वाला आपको यूनिकोड वालों में है ना ये जाएगा आपका यूनिकोड में पेस्ट और ये कहाँ जाएगा यार आपका ये जाएगा हर कीबोर्ड वाले में ना जस्ट सी द डिफरेंस कि यहां पे कीबोर्ड में फॉल्स फॉल्स है ठीक है कीबोर्ड यूनिकोड अच्छा ये हमने ये नहीं बताया कि क्या चीज देख रहे हैं तो यूनिक कीबोर्ड का ये क्या है ये है ये, ना, ये क्या है ये है निमारिक ये है निमारिक और ये क्या है ये है डेसिमल तो अगर आप देखो तो ये डिजिट में दोनों फॉल्स है क्योंकि सी डिजिट है ही नहीं है ना न्यूमेरिक में कीबोर्ड वाला फॉल्स है बट यूनिकोड वाला ट्रू है डेसिमल में दोनों फॉल्स है क्योंकि फॉल्स आएंगे वो सिंपल सी बात है तो इसमें इसमें कोई डाउट की बात नहीं आई क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं फंसोगे आप न्यूमेरिक में नहीं फंसोगे न्यूमेरिक ये चीज आप समझ चुके हो ठीक है अब यही जो फाइट है बेसिकली जो CC के बीच का फाइट है ये हम थोड़ी सी फाइट आगे लेके जाते हैं और इसी फाइट को हम कराते हैं ये तो समझ में आया अब जो मेन आपका एक और फाइट बची वो बची यार डॉट के बीच में जो बहुत बड़ा डाउट है सर्कल नहीं बना पाऊंगा बट ये बना पाऊंगा ना ये तो पहले तो डॉट बना था फिर वाला बनाएंगे जैसे कि ये उठा लिया मैंने ठीक है, जैसे कि इन दोनों के बीच में डाउ फाइट मतलब ये वन और वट अबाउट दिस वन इन दोनों में क्या डिफरेंस तो जरा इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट करेंगे ठीक है तो ये क्या है ये यहां जाएंगे और ये कहाँ जाएंगे भाई ये हमारे जाएंगे कीबोर्ड वाले पे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस सी द डिफरेंस तो डिजिट कीबोर्ड वाले में फॉल्स है यूनिकोड में ट्रू है कीबोर्ड में फॉल्स है न्यूमेरिक uh, में यहाँ ट्रू है यहाँ दोनों में फॉल्स है क्योंकि ये डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है डेसिमल तो वैसे भी किसी काम के नहीं ठीक है ठीके? अच्छा यही डिफरेंस एक और दिखाते हैं आपको ठीक है यही डिफरेंस आपको एक इसमें भी देखना है विच इज दिस वन ये वाले वन में ये वाले वन में और समझते हैं यार ठीक so, है सो कॉपी करो यहां पेस्ट कर दिया ठीक है और वट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन दोनों में क्या डिफरेंस ठीक है तो यहां पर भी वही कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ठीक है डिफरेंस देखिए भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है कीबोर्ड में फॉल्स यूनिकोड में ट्रू कीबोर्ड में फॉल्स यूनिकोड में ट्रू मारेगा बट ऐसे में दोनों में फॉल्स आएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो यार अब इससे समझ बेसिकली ये आ रहा है कि यार ये ये है ये वन है These, ये कंबाइंड कैरेक्टर नहीं क्या है ये कॉम्बिनेशन है ऑफ टू कैरेक्टर ठीक है ये क्या ये सी है अल्फाबेट सी है ये क्या है, है रोमन में सी है डिफरेंस बट क्वेश्चन पेपर में हमें कैसे चलेगा ये चीज क्वेश्चन पेपर में कैसे बताई जाएगी तो क्वेश्चन पेपर में यही चीज बताने के लिए हमको बताया जाएगा भाई यूनिकोड वैल्यू इसी चीज की यूनिकोड वैल्यू अब देखो कैसे तो मैं यहां पे बनाता हूं यार आपके लिए एक और फॉर्मेट तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा तो वैर सपोज भाई अगर मैंने वेरिएबल बनाया आपसे प्रिंट करा लेंगे यार बताओ कि आपका वैर डॉट इज डेसिमल क्या कहानी ठीक है वैसे ही प्रिंट करा लेंगे बताओ वेर डॉट इज डिजिट क्या कहानी न्यूमेरिक डेसिमल में जाने अच्छा डेसिमल मैंने गलती से डाल दिया मुझे न्यूमेरिक डालना था बेसिकली क्योंकि न्यूमेरिक मेरे काम का है डेसिमल किसी काम का नहीं इज न्यूमेरिक ठीक है वेर डॉट इज न्यूमेरिक वेर डॉट इज डिजिट अब यहाँ पे मैं बेसिकली कैरेक्टर डालने वाला हूँ आपका ठीक है बट अब मैं ये जो कैरेक्टर अच्छा यहाँ पे मैंने क्लियर uh, कट ये बताया नहीं क्या चीज है तो ये न्यूमेरिक है और ये क्या है ये डिजिट है ठीक है ये डिजिट है, तो इस वाले वन को मैं ऐसे नहीं बताऊंगा मैं इसकी इस यूनिकोड वैल्यू से बताऊंगा ठीक है कैसे बताऊंगा भाई तो मैं इसको बताऊंगा आपके अच्छा वायर भी प्रिंट करूंगा प्रिंट करूंगा मैं वायर को भी ताकि मुझे समझ में भी आए तो मैं इसको कैसे बताऊंगा यार मैं इसको बताऊंगा बैक स्लैश यू से और पेस्ट और पेस्ट करिए पे रन करिए इसको तो आपको ये वन डॉट मिल जाएगा और दोनों ट्रू मिलेंगे भाई समझे तो ये कहानी है बेसिकली यूनिकोड की है कहानी सिर्फ यूनिकोड वैल्यू की कहानी है ठीक है अबोज इसी की जगह मैं ले आता हूं इनके एस ये वाला वन तो इसकी यूनिकोड वैल्यू क्या ये है ना तो ये कॉपी करके पेस्ट करेंगे भाई यहाँ पे ठीक है तो ये पेस्ट किया मैंने ओके बैक स्लैश यू लगाना जरूरी है तो बैक स्लैश यू पेस्ट यूनिकोड के लिए ना तो देखो ये वाला वन और दोनों में ट्रू अंडरस्टूड यस और नो क्लियर होना चाहिए भाई यूनिकोड वैल्यूज वाली कहानी भी ठीक है अब नेक्स्ट क्या डालेंगे यार नेक्स्ट हम डालेंगे आपका वो सी वाला पार्ट है ना रोमन वाला रोमन हो क्या ऑलमोस्ट हाँ चलो सी देखा था ना हमने वापस से सी उठाएंगे तो ये वाला सी ठीक है अच्छा इसका यूनिकोड वैल्यू चाहिए मुझे यार ना तो यूनिकोड वैल्यू उठाई पेस्ट मारी तो यहां पे वो सी मिलेगा आपको रोमन वाला और ट्रू फॉल्स मिलेगा डिजिट नहीं है यार सी क्योंकि न्यूमेरिक तो ट्रू है अब अगर मुझे नॉर्मल वाला सी चाहिए ना यार अगर मुझे नॉर्मल वाला सी चाहिए तो मुझे ऊपर जाके उसकी यूनिकोड वैल्यू चाहिए तो जैसे नॉर्मल सी ये है इसकी यूनिकोड वैल्यू ये है तो इसमें ये यूनिकोड वैल्यू आएगी और ये आंसर रहेगा इसमें ठीक है सो दैट वुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली तो क्या है कहानी यूनिकोड वैल्यू की कहानी है भाई कुछ यूनिकोड वैल्यू उसको सेम माना जाता है कुछ यूनिकोड मतलब यू, कुछ यूनिकोड वैल्यू माना जा रहा है कि वैलिड है कुछ नहीं है जैसे कि ये वाले नहीं है और मैंने क्या उठा लिया गलत चीज उठा ली मैंने ठीक है मुझे ये यूनिकोड वैल्यू उठानी है ठीक है और ये अब दोनों में ही फॉल्स आने वाला है बिकॉज ये नॉर्मल सी है आपका तो दोनों में फॉल्स है अंडरस्टोड आई होप ये कहानी क्लियर हो गई होगी ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं बची होगी तो ये न्यूमेरिक डिजिट और डेसिमल इज कंप्लीटली क्लियर कोई दिक्कत नहीं इसके अलावा एक जरा इसकी फाइनल बस ये बता दूं यार इसमें में जो कहानी थी वो और समझा दूं कि हम इसमें कुछ और भी डालेंगे तो एट्रीब्यूट एरर आता है जो आपको पता है बट मैं बताऊंगा जरूर क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने की तो जैसे सपोज यहां पे मैंने वन डाला फिर कॉमा करके मैंने कॉमा करके टू डाला फिर कॉमा करके थ्री डाला और यहां पे डाल दिया डॉट इज डिजिट तो ये मुझे क्या दे देगा भाई एट्रीब्यूट एक्ट्रीब्यूटेर दे देगा बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लिस्ट ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता कि इसमें लिस्ट में बेसिकली और यही सेम कहानी मुझे आपके टप्पल में भी मिलेगी है ना और बाकी जगह मिलेगी क्योंकि स्ट्रिंग्स नहीं है स्ट्रिंग में होते हैं ये फंक्शन बाकी में नहीं है तो ये देखो सी दिस एट्रीब्यूट हैज नो ऑब्जेक्ट इज डिजिट लिस्ट टपल में भी नहीं है ठीक है अच्छा यही चीज़ अगर मैं कंबाइन करके एक साथ लिख दूँ तो भी एक मतलब अगर आप साथ में लिखना चाहते हो तो भी देख लो है ना कोई दिक्कत नहीं सपोज मैं वन टू थ्री फोर फाइव थ्री लिख दूँ सो ये भी आपको फाल्स ही देगा वही एट्रीब्यूट एरर मतलब नहीं मतलब एट्रीब्यूट एरर दे देगा कि आपका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता वैसा चीज़ ठीक है और यही चीज अगर मैं टपल में करना चाहूं तो टपल में शॉकिंग न्यूज मिलती है वही कहानी जो हर बार है क्या शॉकिंग न्यूज क्योंकि यार ये टपल में चल जाएगा बट ये टपल में चलता नहीं है क्योंकि ये टपल नहीं है भाई दिस इज नॉट अ टपल दिस इज अ नॉर्मल ब्रैकेट ये नॉर्मल ब्रैकेट है टपल इसको बनाना आपको तो क्या करना पड़ेगा यार अगर आपको इसको टपल बनाना है तो आपको यहाँ पे एक कॉमा और लगाना पड़ेगा अब ये टपल बनेगा दो एलिमेंट्स के साथ तो अब यहाँ पे आपको एट्रीब्यूटर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा विच टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज डिज होता ही नहीं है बेस्ट आई होप द थिंग इज क्लियर तो अब इसी के साथ आपका मैंने न्यूमेरिक डिजिट डेसिमल पूरा क्लियर कर चुका है कंप्लीटली और कोई दिक्कत नहीं बची होगी तो ये आपका इज फैमिली फैमिली के जो वाले पार्ट थे थे वो खत्म और नेक्स्ट मतलब इसके नेक्स्ट कैटेगरी में चलेंगे इज फैमिली के ही नेक्स्ट कैटेगरी बहुत बड़ी फैमिली है ना तो अलग अलग परिवार है एक परिवार खत्म हुआ दूसरे परिवार पर चलेंगे इज तो इनका सरनेम है ठीक है चलो इज सरनेम है जो स्टार्टिंग में लगता है ठीक है तब वो अपन देखेंगे बट फॉर ना पहले हमें इसको बंद करना पड़ेगा इसको खत्म करना पड़ेगा है ना इसने हमारा काफी हेल्प करा वर्ड ने इसको भी सेव डोट सेव कर देंगे ठीक है तो ये हमारा हो गया यार आपका निमारिक डिजिट एंड डेसिमल फिनिश नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा नेक्स्ट फैमिली को एक्सप्लोर करने के लिए वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर नाउ अभी पहले करते हैं इस वीडियो को फिनिश वीडियो भी खत्म नहीं हुई है प्रैक्टिकल खत्म हुआ है चलते अपनी स्लाइड पर वीडियो करते कंप्लीट ठीक है चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको और प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि किस तरीके से सबका इस डिजिट काम करता है और सिर्फ इस डिजिट नहीं इस डिजिट इज न्यूमेरिक और इस डेसिमल पूरा क्लियर हो चुका है सारी पॉसिबिलिटीज क्लियर हो चुकी है सारे डिफरेंसेस क्लियर हो चुके हैं सब कुछ इज डन

सीबीएसई हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं, जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन तीन प्लेटफॉर्म्स सबसे पहला है भाई हमारा चैनल आप आप डाउनलोड कर सकते Magnet Brains के नाम से ही मिल जाएगा और फिर है हमारी वेबसाइट जो आप डायरेक्टली एड्रेस बार में डाल सकते हो विच इज डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैगनेट ब्रेन डॉट कॉम आप ये डालोगे तब भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर अगर अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है ना यार क्या करो गूगल पे जाओ सर्च करो मैग्नेट ब्रेन स्टॉप पे हम ही आ जाएंगे ठीक है अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे बाकी लोगों से अलग है देखो बाकी लोग क्या करेंगे ना आपको दो चैप्टर्स दो वीडियो यूट्यूब पे दे देंगे और फिर रीडायरेक्ट करेंगे ऐप या वेबसाइट पर वहां आपको फोर्स किया जाएगा एक पेड सब्सक्रिप्शन के लिए और यही आ जाता है यार मैग्नेट ब्रेन आपकी लाइफ सेव करने के लिए बिकॉज मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड कर रहा है हंड्रेड फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ए टू जेड यहां तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे हंड्रेड परसेंट फ्री वॉचिंग है यहां कोई लॉग इन नहीं है कोई साइनअप नहीं है यहाँ पे कोई कूपन कोड नहीं है कोई की कहानी नहीं किसी भी टाइप की की कहानी नहीं यहाँ पे आपको बस आना है वीडियो देखना है और चले जाना है विश्वास नहीं होता आके देख लो यार क्या डाउट है आके देख लो ना विश्वास नहीं होता तो

डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप चेक कर सकते हैं मैग्नेट ने ई बुक्स बुक्स एंड लॉन्च कर दी है बाकी आपको नोट्स के बारे में जैसे मैंने बता रखा है जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना ये सब नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है आप लोगों के लिए नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है तो अगर आपको कभी भी ऐसा चाहिए कि यार मुझे पूरी वीडियो नहीं देखनी मुझे बस एग्जाम से पहले रिविजन करने तो नोट्स मिल जाए तो नोट्स भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है चेक कर लेना उसको भी ठीक है बाकी इसके बाद आपको करना है क्या यार जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विद इज यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड टेलीग्राम हर जगह है भाई हम लोग यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर ताकि कोई भी नया वीडियो आए कोई भी नया अपडेट आए तो तुरंत आपको पता चल जाए बाकी आई नो कि यार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड हो गई बट वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज कि आप हर जगह कनेक्ट हो जाओ ताकि कहीं पर भी कोई भी नया अपडेट आए तो तुरंत आपको पता चल जाए ठीक है सो स्टेट और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो तो अच्छी लग रही है पेलेज पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज उनसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो so, हमारे साथ यानी कि मैगे के साथ जुड़े रही है बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किन्न गार्डन से क्लास ट्वेल्थ हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में आपके साथ है सो वी एक्सपेक्ट आप इस तरीके से बने रहेंगे राइट मैं समझता समझा नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच